हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा थैलेसीमिया। क्या होता है थैलेसीमिया, कौन सी डिसीज है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इस कैटेगरी में आपने पहले भी पढ़ी है डिसीजेस कौन कौन सी। फिनाइल कीटोन यूरिया के बारे में आपने पढ़ा है, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया के बारे में आप पढ़ चुके हैं, वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके अलावा आप सिकल सेल एनीमिया के बारे में पढ़ चुके हैं, वो भी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। और दो आपने सेक्स लिंक पढ़ी थी, कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया। तो जहां पर सेक्स लिंक है मींस वो सेक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये मैं बात आपको पहले बता चुकी हूँ। और जो ऑटोसोमल है मींस वो ऑटोसोम्स जो होते हैं यानी 22 पेयर्स यानी 44 क्रोमोसोम उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो हम देखते हैं कि अब ये वाली जो जीन्स है किसकी कहां पर प्रेजेंट है, कौन से 44 में से कौन से क्रोमोसोम है जिनके ऊपर प्रेजेंट है और किस वजह से ये डिसऑर्डर आता है। तो स्टूडेंट, जो थैलेसीमिया है इसके अंदर जो ग्लोबिन चेन है, आपको पता है जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के अंदर कौन कौन सी चेन होती है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि हीमोग्लोबिन जिसको हम HB से रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर 2 अल्फा चेन होती है और 2 बीटा चेन होती है। ठीक है, अब इनके अंदर क्या होता है कि 2 अल्फा चेन है और 2 बीटा चेन है। अब इसमें से क्या चीज ऐसी है जो नहीं बन रही, यानी इसके अंदर से जो हीमोग्लोबिन की जो चेन है वो नहीं बनती है जिसकी वजह से ये थैलेसीमिया होता है। अब कौन सी चेन नहीं बनती, हमको उसके बेसिस पर ही हम इसका नाम रखते हैं। अगर इसमें अल्फा चेन नहीं बन रही है तब हम इसको बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया। ठीक है, और अगर बीटा चेन नहीं बनती तब हम इसको बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया। तो जो चेन नहीं बनती है, आपको याद रखना बहुत इजी है, जो चेन हीमोग्लोबिन की नहीं बनती है वही उस डिसीज का नाम हो जाता है। अगर अल्फा चेन नहीं बनती है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा थैलेसीमिया, अगर बीटा चेन नहीं बनती है तो उसको हम बोलते हैं बीटा थैलेसीमिया, क्योंकि आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के पास 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन है। तो इसका मींस इसमें और सिकल सेल एनीमिया में क्या डिफरेंस है, देखिए सिकल सेल एनीमिया में हमने देखा था कि 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक की जगह क्या हो गया था, वेलिन, जिससे आरबीसी की जो शेप थी यानी ग्लोबिन की जो जो शेप था और हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर था वो चेंज हो गया था, यानी बाइकॉनकेव से क्या हो गया था वो सिकल शेप, जिससे हीमोग्लोबिन का अमाउंट वहां पे कम हो रहा था। तो वो जो थी वहां पर जो है उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ग्लोबिन चेन बन ही नहीं रही, यहां पर या तो अल्फा चेन नहीं बन रही या तो ये बीटा चेन नहीं बन रही। तो यहां पर क्वांटिटी की प्रॉब्लम है और वहां पर वो क्वालिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां पर वो बाइकॉनकेव जगह उसका साइज छोटा हो जाता है तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट ही बहुत कम रह जाता है। यहाँ पर क्वांटिटी की प्रॉब्लम आ जाती है कि अल्फा चेन नहीं बन रही या बीटा चेन नहीं बन रही। तो दोनों ही ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। तो यहाँ पर क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि कौन सा क्वांटिटी में कम बन रहा है, अल्फा चेन या बीटा चेन। तो अब हम देखते हैं कि जो अल्फा चेन है उस अल्फा चेन की कौन सी और ये डिसऑर्डर क्यों आ रहा है, नेचुरली है किसी भी चीज की डिलीशन या म्यूटेशन, कोई भी जीन के डिलीशन यानी वो डिलीट हो गई है या उसके अंदर म्यूटेशन आ गई है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो कौन सी जीन है और कौन से क्रोमोसोम पे है, अगर हम अल्फा थैलेसीमिया की बात करेंगे स्टूडेंट, मैं इसको अभी शॉर्ट में लिख रही हूँ, अल्फा थैलेसीमिया इसके लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो है HbA1 एंड HbA2। ये जो दोनों जीन्स हैं यानी दो जीन हो गए यानी 4 एलील्स हो गए ये, और ये किसमें प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम 16 में, ये प्रेजेंट है, मैंने अब आपको बोला है कि क्रोमोसोम 16 पर ये प्रेजेंट होती हैं, HbA1 एंड HbA2, यानी 2 जीन्स हो गई यानी 4 एलीलिक फॉर्म हो गई। तो हमने बात की थी कि ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, तो ऑटोसोम यानी जो 44 क्रोमोसोम्स हैं उनमें से ये किसमें प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 16 पे। अब ये जो 2 जीन्स हैं या 4 एलील्स हैं तो हो सकता है 1 नहीं हो, 2 नहीं हो, 3 नहीं हो, और हो सकता है 4 नहीं हो, जिसकी वजह से जितना कम होगी उतना कम अल्फा चेन बनेगी, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अल्फा थैलेसीमिया। ऐसे ही अगर बीटा थैलेसीमिया की हम बात कर रहे हैं तो बीटा थैलेसीमिया में स्टूडेंट क्या होगा, कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ये एक जीन रिस्पॉन्सिबल है HBB जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है क्रोमोसोम 11 में, क्रोमोसोम 11। अब या तो इसकी ये दोनों जीन ही एब्सेंट है यानी एक एलीलिक फॉर्म्स जो है दोनों वो ही नहीं है, या ये इसमें डिलीशन हो गया है या म्यूटेशन हो गया है जिसकी वजह से बीटा चेन नहीं बनेगी, तो हम उसको बोलेंगे बीटा थैलेसीमिया।
अगर इसमें जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हो सकते हैं, अनअफेक्टेड हो सकते हैं, पर उसके थ्रू उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो इफेक्टेड आ सकते हैं। ये हमने पहले भी क्रॉस बनाया था, मैं आपको इसमें एक क्रॉस बना के भी बता देती हूँ कि कैसे आप इसको क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लो पेरेंट्स हैं जो कि अनअफेक्टेड हैं यानी कैरियर्स हैं, हम इसके लिए एक जीन के लिए हम ऐसे कंडीशंस ले लेते हैं कि ये जो है ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल जीन है, ठीक है। ये हो गया कैरियर, अनअफेक्टेड बट कैरियर, और ये क्या हो गई अफेक्टेड, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अगर हम हिटरोजाइगस कंडीशन लेते हैं, हिटरोजाइगस कंडीशन हो गई यानी ये कंडीशन आ गई यानी ये कैरियर है, ये स्मॉल ए मींस अफेक्टेड से आ गया, और ये हिटरोजाइगस कंडीशन में है तो ये खुद अनअफेक्टेड है पेरेंट, बट ये आगे कैरी कर सकता है ऑफस्प्रिंग में। तो अगर हम दोनों ऑफस्प्रिंग ले लेते हैं, दोनों पेरेंट्स ले लेते हैं जो कि क्या है हिटरोजाइगस, दोनों पेरेंट्स ले लेते हैं जो कि हिटरोजाइगस कंडीशन है, वही सेम हम क्या करेंगे गैमेट्स बनाएंगे। ये क्या है कैरियर, ठीक है, दोनों कैरियर हैं, ये बन गए गैमेट्स। अब हम वही पुनेट स्क्वायर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, आप पुनेट स्क्वायर में देखते हैं कि क्या कंडीशन आती है। ये गैमेट बन गए ए ए, इसको इसके साथ क्रॉस कराया ए ए, इसको इसके साथ ए ए, इसको इसके साथ क्रॉस कराया ए ए, इसको इसके साथ क्रॉस कराया, तो ये हमारे पास चार तरह के जीनोटाइप आ गए। तो ये क्या हो गया नॉर्मल, यानी इसको थैलेसीमिया नहीं होगा, ये क्या हो गया कैरियर, ये भी हो गया कैरियर, और ये क्या आ गया अफेक्टेड। तो यहां पर क्या कंडीशन बनी स्टूडेंट कि 25% क्या हुआ नॉर्मल, 50% कैरियर एंड 25% अफेक्टेड यानी थैलेसीमिया। तो 25% क्या हो गया अफेक्टेड हो गया, यानी इसने क्या किया जो कैरियर पेरेंट्स थे हिटरोजाइगस कंडीशन थी उन्होंने अपने ऑफस्प्रिंग में इसको ट्रांसफर कर लिया, तो 25% का केस क्या आया अफेक्टेड, ठीक है, और 25% नॉर्मल 50% कैरियर। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोसेस आते हैं तो उसको आप निकाल सकते हैं, क्रॉस बना के देख सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट।